रैली मेरा रंग संस्था के तत्वावधान में मेरी रात मेरी सड़क के नारों के साथ एक जन जागरूकता रैली चेतना तिराहे से निकाली गई, जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष शालिनी सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या रानी सिंह, संगीता मल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था की अध्यक्ष शालिनी सिंह, दिव्या रानी सिंह और शालिनी मल ने बताया। पे क्लेम करते हैं नाइट पे कि जितना सड़क लड़कों का है, लड़कों के लिए सुरक्षित है, उतना ही हमारे लिए भी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले साल दिल्ली से शुरू किया था और आज ही के दिन 12 तारीख को, आज ही की डेट में 18 शहरों से एक ही साथ हम लोगों ने किया था। 9 बजे रात को 18 शहरों से निकले थे और करीब 12 बजे रात तक हम लोग सड़क पर रहे थे। और ये कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया था चंडीगढ़ में एक लड़की के साथ, आईएएस की बेटी थी, उनके साथ किसी नेता के बेटे ने छेड़खानी की थी, मतलब अपने ग्रुप के साथ ढेर सारे लड़कों के साथ। तो वो बड़ी मुश्किल से बच उच के गई थी, उनकी कार के शीशे उसे तोड़ दिए गए थे। तो उसी के बाद हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था कि क्यों हम लड़कियाँ बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी होती है कि लोग छेड़ने लगते हैं, लड़कियों के रेप कर देते हैं, लेके भाग जाते हैं या दौड़ा के पीछा करते हैं, कुछ नहीं करते तो यही करते हैं कि हमारे गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, तो हम कैसे सुरक्षित रहें। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि इस तरह का कैंपेन करते हैं और सारी लड़कियों को ये बताते हैं कि हम लोगों की भी उतनी ही सड़क है जितनी की लड़कों की है, हम लोग भी सड़क पर निकलें, अभी ग्रुप में निकलें, लोगों तक मैसेज जाएगा और धीरे धीरे शायद पुरुषों की मानसिकता बदलेगी हमारे प्रति कि भाई जैसे हमारे घर की बेटी बहनें हैं वैसे अन्य लड़कियाँ भी हैं। तो हम लोग उसी को लेकर आज गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में पिछले साल हम लोग नहीं कर पाए थे और इस समय मैं गोरखपुर में हूँ, तो आप सब से, मैम से और बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है मैंने और इसको लेके आज हम फिर गोरखपुर में हैं। आप मैम से कुछ बात करें। महिला सुरक्षा के लिए सरकार भी एनडीडब्ल्यू दल चलाती है, तमाम उपाय कर रही है, महिलाओं को दिक्कत न हो उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, क्या जरूरत पड़ी आपको इसको आगे आने की? सरकार चला मानसिकता चेंज नहीं कर सकती, प्रशासन जो है कानून बना देती है, ठीक है, उसको पालन करने वाले कितने लोग हैं, कितना लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, जो भी है रेप के बाद कितने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों को सज़ा मिली, निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद क्या उस तरह की सज़ा मिली? एक लड़के को तो नाबालिग कह के छोड़ दिया गया, नाबालिग है और रेप कर रहा है। तो बात यह है कि प्रशासन भी कहाँ कहाँ होगा, जब तक हम खुद नहीं अपने लिए खड़े होंगे प्रशासन क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, पुलिस किसके किसके पीछे लग जाएगी? दिल्ली में जाइए ना, देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में किए हैं, गोरख अभी किए नहीं है लेकिन मैम गवाह हैं, यूनिवर्सिटी में परसों और कल पूरा दिन यूनिवर्सिटी में रही हूँ, पूछ लीजिए। और आगे भी बात हुई है हमारी शरद सर से, यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होना है उस दिन मैं आपको बुलाऊंगी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और जहाँ आपने बात की कि सरकार जो प्रयास कर रही है, सरकार का प्रयास अपनी जगह है पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम औरतों को, महिलाओं को, जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको खुद इतना सक्षम होना पड़ेगा, खुद इतना जागरूक होना पड़ेगा, जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं चाहे मोबाइल पे ऐप्स हैं कि वो अपने गार्जियन को कैसे इन्फॉर्म करें, इसके अलावा जो भी शारीरिक प्रशिक्षण है वो भी साथ साथ ले लें कि अगर इस तरह की भी कोई भी दुर्घटना उनके साथ घटने वाली हो तो वो उससे पहले उसका निवारण कर सकें। जहाँ तक गोरखपुर की सड़कों की बात है, कुछ लेन्स यहाँ पर अभी बहुत असुरक्षित हैं, जैसे कि मैं जो कार्मल स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल के सामने वाली सड़क है, आप लोगों को मालूम है कि वहाँ बस स्टेशन है और वो पूरी सड़क पे कोई भी पीसीआर वैन नहीं खड़ी होती,
जो विश्वविद्यालय के पास सटा हुआ दैनिक जागरण कार्यालय है उसके बगल में एक मॉडल शॉप, लेकर मॉडल शॉप खोल दी गई है। वहाँ पर भी आप देखिए तो कोई भी PCR वैन नहीं खड़ी होती रात के समय। तो और वहाँ से लेकर HP स्कूल वाली जो सड़क सिटी मॉल को जोड़ती है उस पर भी कोई PCR वैन नहीं खड़ी होती। अगर आप मुझे ही कहें कि आप मैम कार लेकर के चली जाइए रात के 8 बजे या अंधेरा होने के बाद, तो शायद मैं उसको ना छोड़, वो सड़क ना चुन करके मैं कोई लंबी दूरी कि जहाँ पे वेल लाइटेड और जहाँ पे PCR वैन हो या पुलिस की व्यवस्था हो वो सड़क लेती हूँ। तो ऐसे में अगर कोई पैदल हो या साइकिल से हो या बहुत सारी लड़कियाँ या दुकानों में, पार्लर्स में और बहुत जगह सिटी मॉल में काम करती हैं, और महिला सुरक्षा गार्ड ही ले लीजिए, अगर वो खुद पे ये भरोसा नहीं है कि वो सड़क से जाएंगी तो वो कितनी सुरक्षित रहेंगी। तो शायद इस गोरेपुर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सेंसिटाइज करें, पुलिस इसके लिए थोड़ा सा संवेदनशील हो। और यहाँ हम किससे सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम अपने ही दूसरे काउंटर पार्ट से, एक पुरुष से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि एक सोचने की भी बात है कि अगर वो अपने माँ बहनों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं तो वो बाकी जितनी नारियाँ हैं सड़क पे जो चल रही हैं उनके लिए संवेदनहीनता क्यों है। तो यह इस प्रश्न का जवाब हमें स्वयं देना है और यहाँ के हर व्यक्ति को देना है। संगीता मल, इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि हमें पुरुषों का मानसिकता चेंज करना है। कोई ला ला देना, कोई कानून ला देना और उस पर अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। जब तक हम लोगों का मेंटालिटी नहीं चेंज करेंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि वो अपने घर में औरतों की जिस तरह इज्जत करते हैं, ठीक है तुम समाज में हर लड़की को माँ बहन मत मानो पर उन्हें सम्मान तो दो। तो हमें एक सम्मान की ज़रूरत है कि हम सड़कों पे अगर रात को निकलते हैं, मान लीजिए मेरे घर किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो रात को अगर मेरे घर कोई पुरुष मेंबर नहीं है तो अगर हम दवा लेने जाते हैं तो हम असुरक्षित हैं। और या तो हम दवा लेने ना जाएं या हम किसी पड़ोसी को बुलाते हैं तो क्या पता वो पड़ोसी भी मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए हमको लोगों का माइंड सेट चेंज करना है, लोगों को अवेयर करना है कि कम से कम आप बदलिए और हमें भी जीने दीजिए। हमारे, क्योंकि प्रकृति ने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हमें सामान्य अधिकार दे के पैदा किया, फिर आप लोग की सोच ऐसी क्यों है। इसलिए हम लोग सड़कों पर आज उतरे हैं।